ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके, सुके, सुके। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने मेरी YouTube चैनल प्रीव्यू देखा होगा, न्यू ट्रेंडिंग महादेव स्टेट पर स्टेटस कैसे बनाया जाता है। आजकल ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, हर हर सिंबो। आज मैं उसी का वीडियो में बताने वाला हूँ ये वीडियो कैसे बनाया जाए, बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगा आपको। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा अलाइट मोशन ऐप्स करके, उसको आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो आपको मोड वर्जन नहीं मिलेगा। आप मेरे अलाइट मोशन का जो ऐप्स है उसको आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ही डाउनलोड करिएगा। अलाइट मोशन ओपन करिएगा, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा बीट मार्क इफेक्ट करके, उसको इंपोर्ट कर लीजिएगा अलाइट मोशन ऐप्स में। इंपोर्ट करने के लिए आपको एक पासवर्ड मिलेगा, पासवर्ड वीडियो पूरा वॉच करिएगा, मैं बताऊँगा बीच में कैसे ये पासवर्ड मिलेगा। उसके बाद प्लस आइकन पे क्लिक करें, मीडिया पे क्लिक कर दीजिए। जितनी भी फ़ोटो यहाँ पर यूज कर रहा हूँ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये फ़ोटो लगा लीजिएगा, थ्री पॉइंट पे क्लिक करिएगा, फिल कंपोजिशन एरिया कर दीजिए। उसके बाद इसको आप इस एरो पे क्लिक कर दीजिएगा, आगे बढ़ा लीजिए, फिर से प्लस करिएगा, मीडिया पे क्लिक कर दीजिए, आप ये फ़ोटो लगा लीजिए, थ्री पॉइंट पे क्लिक करिएगा, फिल कंपोजिशन एरिया कर दीजिए। उसके बाद इसको आप एरो पे क्लिक करिएगा, आगे बढ़ जाएगा, आगे वाला पार्ट आप लोग कट कर लीजिए, फिर से प्लस करिएगा, मीडिया पे क्लिक कर दीजिए, आप ये फ़ोटो लगा लीजिए, थ्री पॉइंट क्लिक करिएगा, फिल कंपोजिशन एरिया कर दीजिए। उसके बाद फिर से एरो पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ से कट कर लीजिए, फिर से प्लस करिएगा, मीडिया पे क्लिक कर दीजिए, आप ये फ़ोटो लगा लीजिए, थ्री पॉइंट पे क्लिक करें, फिल कंपोजिशन एरिया कर दीजिए। उसके बाद इसको एरो पे क्लिक करिए, आगे बढ़ जाएगा। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा तभी समझ में आएगा कि ये वीडियो में आपको पासवर्ड मिल जाएगा। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। प्लस आइकन पे क्लिक, मीडिया पे क्लिक कर दीजिए, आप ये फ़ोटो लगा लीजिए, थ्री पॉइंट पे क्लिक है, फिल कंपोजिशन एरिया कर दीजिए। उसके बाद फिर से एरो पे क्लिक करिए, आगे बढ़ जाएगा, आगे वाला पार्ट कट कर लीजिए, फिर से प्लस कर लीजिए, मीडिया पे क्लिक कर दीजिए, आप ये फ़ोटो लगा लीजिए, थ्री पॉइंट पे क्लिक करिएगा, फिल कंपोजिशन एरिया कर दीजिए। इसके बाद एरो पे क्लिक करिए, आगे वाला पार्ट कट कर लीजिए, फिर से प्लस करिए, मीडिया पे क्लिक कर दीजिए, आप ये फ़ोटो लगा लीजिए, थ्री पॉइंट पे क्लिक करिए, फिल कंपोजिशन एरिया कर दीजिए। फिर से आप एरो पे क्लिक कर दीजिए, आगे बढ़ जाएगा, इसको कट कर लीजिए, फिर से प्लस करिएगा, मीडिया पे क्लिक कर दीजिए, आप ये फ़ोटो लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ पर फ़ोटो को एडजस्ट करने के लिए दूसरा मेथड बता रहा हूँ कैसे फ़ोटो को एडजस्ट किया जाता है। थ्री पॉइंट क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया ना करके हम मोबाइल ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप थ्री लाइन पर चले आइएगा, इस पर क्लिक करिएगा, इसको जूम कर लीजिएगा। इस तरीके से फ़ोटो को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसको आप आगे बढ़ा लीजिए, इस तरीके से आगे वाला पार्ट आप लोग कट कर दीजिए, फिर से प्लस करिए, मीडिया पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ से आप ये फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए, थ्री पॉइंट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर दीजिए। इसके बाद फिर से आप आगे बढ़ा लीजिए, फिर से प्लस करिए, मीडिया पे क्लिक कर दीजिए, आप ये फ़ोटो लगा लीजिए, थ्री पॉइंट पे क्लिक करिए, फिल कंपोजिशन एरिया कर दीजिए। उसके बाद फिर से आप एरो पे क्लिक कर दीजिएगा, आगे वाला पार्ट आप लोग कट कर लीजिए, फिर से प्लस करिए, मीडिया पे क्लिक कर दीजिए, आप ये फ़ोटो लगा लीजिए, थ्री पॉइंट पे क्लिक करिए, फिल कंपोजिशन एरिया कर दीजिए। उसके बाद आप एरो पे क्लिक कर दीजिएगा, आगे बढ़ जाएगा, आगे वाला पार्ट आप लोग कट कर लीजिए, फिर से प्लस करिए, मीडिया पे क्लिक कर दीजिए, आप ये फ़ोटो लगा लीजिए, थ्री पॉइंट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर दीजिए। उसके बाद फिर से आप आगे बढ़ा लीजिए, इस तरीके से आगे वाला पार्ट आप लोग कट कर लीजिए, प्लस आइकन पे क्लिक करें, मीडिया पे क्लिक कर दीजिएगा, आप ये फ़ोटो लगा लीजिए, थ्री पॉइंट पे क्लिक करिएगा, फिल कंपोजिशन एरिया कर दीजिए। जितने भी यहाँ पर हम फ़ोटो यूज़ कर रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं है आप यही फ़ोटो लगाएं। आपके पास अगर आपका खुद का फ़ोटो है तो आप लोग खुद लगा सकते हैं। उसके बाद फिर से आप प्लस कर लीजिएगा, मीडिया पे क्लिक कर दीजिए, आप ये फ़ोटो लगा लीजिए, थ्री पॉइंट पे क्लिक करिए, फिल कंपोजिशन एरिया कर दीजिए। आगे वाला पार्ट आप लोग को कट कर लेना, आगे बढ़ाकर इस तरीके से, फिर से प्लस करिए, मीडिया पे क्लिक कर दीजिए, आप ये फ़ोटो लगा लीजिए, थ्री पॉइंट पे क्लिक करिए, फिल कंपोजिशन एरिया कर दीजिए। उसके बाद आगे वाला पार्ट आप लोग कट कर लीजिएगा इस तरीके से।
उसके बाद यहाँ पर हम फोटो खुद ऐड कर लेंगे क्योंकि वीडियो में समझाएंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इफेक्ट कैसे लगाना है, आप बैग चले आइएगा, इसको डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा सेक इफेक्ट करके, उसको इम्पोर्ट कर लीजिएगा। सेक इफेक्ट वाला ओपन करिएगा, ओपन करने के बाद आपको नीचे चले आने हैं। उसके बाद पहले इमेज पर क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना, थ्री पॉइंट पे कॉपी कर लीजिए, फिर से आप बैक कर लीजिएगा, बीट मार्क वाला ऑप्शन ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद इसको आप ओपन कर लीजिए, उसके बाद नीचे चलिए, सबसे नीचे, जैसे हम नीचे कर रहे हैं इस तरीके से। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको इफेक्ट लिखा हुआ मिल जाएगा, जैसे आपको यहाँ पर इफेक्ट नंबर 3 लिखा है, आप लोग आगे बढ़ा लीजिए। इस इमेज पर इफेक्ट नंबर 1 लगाना है, उसके बाद इसको ऊपर कर लीजिए इस तरीके से, इस तरीके से जैसे हम ऊपर कर रहे हैं। इमेज पर क्लिक करिएगा, इफेक्ट पे क्लिक करना है, थ्री पॉइंट पे पेस्ट कर दीजिए, ये आपका इफेक्ट लग जाएगा। उसके बाद आप फिर से नीचे कर लीजिए इस तरीके से, जैसे हम नीचे करके बता रहे हैं आपको, फिर से आप आगे बढ़ा लीजिए। आप लोग ध्यान दीजिएगा इफेक्ट नंबर 1 कहाँ है, इस तरीके से इफेक्ट नंबर 1 यहाँ पर है, फिर से आप ऊपर कर लीजिएगा इस तरीके से। उसके बाद इमेज पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा इस तरीके से, आप पहले ऊपर कर लीजिए, इमेज आपका कहाँ है, इमेज पर क्लिक करिएगा, इफेक्ट पर क्लिक करना है, थ्री पॉइंट पर पेस्ट कर दीजिए, ये आपका लग जाएगा इफेक्ट। उसके बाद आप इसको नीचे कर लीजिए, फिर से आप देख लीजिए इफेक्ट नंबर 1 कहाँ है, उसके बाद आगे बढ़ा लीजिए, इफेक्ट नंबर 1 आपको ऊपर बढ़ा लीजिएगा इस तरीके से। इस इमेज पर क्लिक करिएगा, इफेक्ट पे क्लिक करना है, थ्री पॉइंट पर पेस्ट कर दीजिए, इसी तरीके से आपको नीचे कर लेना है। फिर से आप लोग ध्यान दीजिएगा इफेक्ट नंबर 1 कहाँ कहाँ लगना है, हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर लगेगा। उसके बाद फिर से आप आगे बढ़ा लीजिएगा इस तरीके से, आप लोग को ऐसे चेक कर लेना है इफेक्ट नंबर 1 कहाँ कहाँ लगेगा, यहाँ पर लगेगा इफेक्ट नंबर 1 इस तरीके से, उसको ऊपर कर लीजिएगा फिर से। अगर वीडियो में समझाऊंगा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा शॉर्ट करके बता रहा हूँ कि आप लोग ये चीज़ प्रोसेस खुद कर लीजिएगा। इफेक्ट पे क्लिक करना है, थ्री पॉइंट पेस्ट कर दीजिए, ये इफेक्ट आपका लग जाएगा। उसके बाद इसको बैक कर लीजिएगा फिर से, फिर से सेक इफेक्ट वाला ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद आपको सेकेंड इमेज पर चले आना है, इमेज पर क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना, थ्री पॉइंट पे कॉपी इफेक्ट कर लीजिए, फिर से आप बैक करके बीट मार्क वाला ऑप्शन ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद ओपन करने के बाद इस तरीके से आप इसको नीचे कर लीजिए, इस तरीके से आप नीचे कर लीजिए। आप लोग को देखना है कि इफेक्ट नंबर 2 कहाँ लगाना है, इसको आप आगे बढ़ा लीजिए। इफेक्ट नंबर 2-3 इमेज पर लगेगा, 1-2-3, उसके बाद इसको ऊपर कर लीजिए इस तरीके से, इमेज पर चले आइए। उसके बाद इमेज पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना, थ्री पॉइंट पर पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद फिर से आप आगे बढ़ा लीजिए, इमेज पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, थ्री पॉइंट पर पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद फिर से आप लोग आगे बढ़ा लीजिएगा इस तरीके से। उसके बाद इमेज पर क्लिक करना, इफेक्ट पर क्लिक करना, थ्री पॉइंट पर पेस्ट कर दीजिए। इमेज पर क्लिक करिएगा, इफेक्ट पर क्लिक करना, थ्री पॉइंट पर पेस्ट कर दीजिए। फिर से आप आगे बढ़ा लीजिएगा इस तरीके से, इमेज पर क्लिक करना, इफेक्ट पर क्लिक करना, थ्री पॉइंट पर पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आप लोग फिर से आगे बढ़ा लीजिए इस तरीके से, इमेज पर क्लिक करना, इफेक्ट पर क्लिक करना, थ्री पॉइंट पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आप लोग को सेकंड इमेज ये लग जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको आप सेकंड इमेज और आगे कहाँ लगाना है, इसको नीचे चेक कर लीजिए। आप लोग कहाँ लगाना है, यहाँ पर लगाना है इस तरीके से। इसको आप ऊपर कर लीजिए इस तरीके से, इस तरीके से ऊपर कर लीजिएगा इस तरीके से। उसके बाद इमेज पर क्लिक करिएगा, इफेक्ट पर क्लिक करना, थ्री पॉइंट पर पेस्ट कर दीजिए। फिर से आप आगे बढ़ा लीजिएगा, इमेज पर क्लिक करना, इफेक्ट पर क्लिक करना, थ्री पॉइंट पर पेस्ट कर दीजिए। फिर से आप आगे बढ़ा लीजिएगा, इमेज पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना, थ्री पॉइंट पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आप लोग खुद लगा लीजिएगा इफेक्ट। उसके बाद आप बैक चले आइए, सेक इफेक्ट वाला ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद आप लोग को थ्री नंबर इमेज पर चले आइएगा, इमेज पर क्लिक करिएगा, इफेक्ट पर क्लिक करना, थ्री पॉइंट पर कॉपी कर लीजिए। उसके बाद बीट मार्क वाला ऑप्शन ओपन करिएगा, उसके बाद ओपन कर लीजिएगा इस तरीके से। उसके बाद आप लोग नीचे कर लीजिए सबसे। आप लोग ध्यान दीजिएगा इफेक्ट नंबर 3 कहाँ लगाना है, इस तरीके से इस इमेज पर आपको लगाना है, पहले इमेज पर। इसको ऊपर कर लीजिए इस तरीके से, पहले इमेज पर चले आइए आप लोग। इमेज पर क्लिक करिएगा, इफेक्ट पर क्लिक करना, थ्री पॉइंट पर पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आप फिर से चले आइए नीचे,
इस तरीके से। उसके बाद इसको आप आगे बढ़ा लीजिए, आप लोग देख लीजिए कि आपको इफेक्ट नंबर 3 कहाँ लगाना है। इफेक्ट नंबर 3 इस तरीके से आप लोग चेक कर लीजिएगा, इफेक्ट नंबर 3 कहाँ लगाना है सारा। इसीलिए आपको मेंशन कर दिया है कि आपको किसी कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद इसको आप ऊपर कर लीजिएगा इस तरीके से। उसके बाद इमेज पर क्लिक करिएगा, इफेक्ट पर क्लिक करना, 3 पॉइंट पर पेस्ट कर दीजिए। इस तरीके से आपको इफेक्ट नंबर 3 लग जाएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा इफेक्ट नंबर 3 कहाँ कहाँ लगाना है, आप लोग लगा लीजिएगा। अगर वीडियो में समझाऊंगा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसको बैक कर लीजिएगा। फिर से एक इफेक्ट वाला ऑप्शन ओपन करिएगा, आप लोग इफेक्ट नंबर 4 पर चले आइए, इमेज पर क्लिक करना, इफेक्ट पर क्लिक करना है, 3 पॉइंट पर कॉपी इफेक्ट कर लीजिए, बैक करिए। बीट मार्क वाला ऑप्शन ओपन कर लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा टाइम लगता है, डिले लगता है इसमें, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है। उसके बाद इसको आप आगे बढ़ा लीजिएगा इस तरीके से। आप लोग देख लीजिए इफेक्ट नंबर 4 कहाँ लगाना है, नीचे बढ़ाकर इस तरीके से आप लोग इसको नीचे कर लीजिए। उसके बाद इसको आप देख लीजिए, इफेक्ट नंबर 4 आपका यहाँ पर लगेगा। उसके बाद इसको ऊपर कर लीजिएगा इस तरीके से, इमेज पर क्लिक करिएगा, इफेक्ट पर क्लिक करना, 3 पॉइंट पर पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सारी इमेज पर इफेक्ट नंबर 4 पेस्ट कर लीजिएगा। फिर से बैक कर लीजिएगा इसको, उसके बाद एक इफेक्ट वाला ओपन करिएगा, इफेक्ट नंबर 5 पर चले आइए, इमेज पर क्लिक करना, इफेक्ट पर क्लिक करना, 3 पॉइंट पर क्लिक करिए, कॉपी इफेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इसको बैक कर लीजिएगा, बीट मार्क वाला ऑप्शन ओपन कर लीजिएगा आप लोग, उसके बाद ओपन हो जाएगा ये, इसको नीचे बढ़ा लीजिए इस तरीके से, इसको नीचे कर लीजिए। इफेक्ट नंबर 5 कहाँ है आपका देख लीजिए इस तरीके से, इफेक्ट नंबर आपको 5 यहाँ से लगाना है, ऊपर कर लीजिए इसको इस तरीके से, इस तरीके से जैसे हम बता रहे हैं। इमेज पर क्लिक करिएगा, इफेक्ट पर क्लिक करिए, 3 पॉइंट पर कॉपी पेस्ट कर दीजिए इस पर। उसके बाद इस तरीके से आपको सारी इमेज पर लगा लेना है इफेक्ट नंबर 6। उसके बाद बैक कर लीजिएगा, फिर से सेक इफेक्ट वाला ओपन करिएगा, लास्ट इमेज पर चले जाइए, इमेज पर क्लिक करिएगा, इफेक्ट पर क्लिक करना, 3 पॉइंट पर कॉपी इफेक्ट कर लीजिए, बैक कर लीजिए। बीट मार्क वाला ऑप्शन ओपन करिएगा, उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा सा डिले लगेगा, नीचे कर लीजिए इस तरीके से, नीचे हो जाएगा। उसके बाद इफेक्ट नंबर 6 कहाँ लगाना है आप लोग चेक कर लीजिए इस तरीके से, इस तरीके से आप लोग चेक कर लीजिएगा। इफेक्ट नंबर 6 यहाँ पर लगाना है, आप लोग ध्यान दीजिए, इमेज पर क्लिक करना, इफेक्ट पर क्लिक करना, 3 पॉइंट पर पेस्ट कर दीजिए। फिर से आप आगे बढ़ा लीजिएगा इस इमेज पर, यहाँ पर भी पेस्ट कर दीजिए, इमेज पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना, कॉप 3 पॉइंट पर क्लिक करना है, पेस्ट कर दीजिएगा। इसी तरीके से आपको सारे इमेज पर लगा लेना इफेक्ट नंबर 6 को, ये आपका वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये वीडियो एक्सपोर्ट कैसे होगा, सेटिंग के बगल वाले एरो पर क्लिक करिएगा, वीडियो पर क्लिक करिए, एक्सपोर्ट कर लीजिएगा।